नमस्कार, मैं प्रिया। आज 27 नवंबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कॉम्फेड में जल्द 142 पदों पर नौकरियां होंगी बहाल। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने ली शराब ना पीने की शपथ। बिहार में कोरोना वैक्सीन के लिए नहीं होगी आधार कार्ड की जरूरत। सार्वजनिक जमीन पर कब्जा करने वाले खाएंगे जेल की हवा। बिहार में आंगनबाड़ी सेविकाओं की बदलेगी भूमिका। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। कॉम्फेड में जल्द 142 पदों पर नौकरियां होंगी बहाल। बिहार राज्य मिल्क कोऑपरेटिव और फेडरेशन यानी कि कॉम्फेड में नौकरी पाने के लिए इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। यहां लेखा सहायक, विपणन सहायक, प्रापणन सहायक और जूनियर टेक्नीशियन के 142 पदों पर बहाली का रास्ता साफ हो गया है। इसके तहत अब 5 से 10 दिनों में ही 142 चुने हुए अभ्यर्थियों की बहाली कर ली जाएगी। बताते चले कि कॉम्फेड ने इसके लिए सितंबर 2020 में ही विज्ञापन निकाला था, जिसके बाद इस साल के जून महीने में ही चयनित लोगों के परिणाम जारी कर दिए गए थे। लेकिन दस्तावेज सत्यापन को लेकर नियुक्ति रुकी हुई थी, लेकिन अब पशु और मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सिंह ने बहाली करने को लेकर हरी झंडी दिखा दी है। नीतीश कुमार ने ली शराब ना पीने की शपथ। राज्य में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने की दिशा में सरकार कानूनी सजा से लेकर शपथ तक को प्रभावी मानते हुए चल रही है। यही कारण है कि हर साल की तरह इस साल भी संपूर्ण बिहार में बीते दिन शराब ना पीने की प्रतिज्ञा ली गई। इस कड़ी में खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी राजधानी पटना स्थित ज्ञान भवन में एक भरे पूरे समारोह में आजीवन शराब नहीं पीने की शपथ ली है। इस दौरान उनके साथ राज्य के दोनों डिप्टी सीएम, मंत्री, डीजीपी के अलावा कई आला अधिकारी भी मौजूद रहे थे। इस मौके पर सीएम के साथ ही साथ वहां उपस्थित सभी गणमान्यों ने जीवन में शराब को हाथ नहीं लगाने की कसम खाई है। तो वहीं राज्य के विभिन्न जिलों के कलेक्ट्रेट में भी अधिकारियों ने नशा पान नहीं करने की शपथ ली है। 96 घंटे बाद बढ़ जाएगी ठंड। राज्य के कई जिलों में आने वाले 4 दिनों के बाद ठंड का प्रकोप बढ़ने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार दिसंबर के पहले दिन के साथ ही पहाड़ों वाले ठंड के साथ साथ पश्चिमी हवाएं प्रवेश करने लगेंगी, जिसके साथ ही दिन के तापमान में गिरावट आएगी, जिससे दिन के समय में ठंड बढ़ जाएगी। वहीं रात के वक्त भी पारा गिरेगा। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के उत्तरी हिस्से में, दक्षिण पूर्व और दक्षिणी हिस्से में चलने वाली पश्चिमी हवाओं के कारण तापमान में धीरे धीरे गिरावट हो रही है। इस दौरान रात का तापमान 10 से 12 डिग्री और दिन का तापमान 26 से 28 डिग्री के बीच रहने का पूर्वानुमान है। हालांकि अभी मौसम पूरी तरह शुष्क यानी कि ड्राई है। स्पेशल में हम बात करेंगे मृदुला सिन्हा की। मृदुला सिन्हा एक भारतीय लेखिका और राजनीतिज्ञ थी, जिन्होंने अगस्त 2014 से अक्टूबर 2019 तक गोवा की राज्यपाल के रूप में कार्यकाल किया था। वो गोवा की पहली महिला राज्यपाल थी। मृदुला सिन्हा भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्ष भी थी। उन्हें 2021 में मरणोपरांत भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। मृदुला सिन्हा का जन्म आज ही के दिन यानी कि 27 नवंबर 1942 को भारत के बिहार राज्य के मिथिला क्षेत्र के मुजफ्फरपुर जिले के छपरा धर्मपुर गांव में हुआ था। उनके पिता बाबू छबीले सिंह थे और उनकी माता अनुपा देवी थी। उन्होंने छपरा के स्थानीय स्कूल में पढ़ाई की और बाद में लखीसराय जिले के लड़कियों के आवासीय स्कूल बालिका विद्यापीठ में पढ़ाई की। बिहार विधानमंडल के शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र को लेकर तैयारियां तेज। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होने वाला है। हालांकि सत्र को लेकर अभी से ही बिहार में तैयारियां तेज हो गई है, जिसके तहत ही बीते दिन पटना डीएम और एसएसपी विधानसभा परिसर में पहुंचे। सत्र को लेकर सुरक्षा व्यवस्था में कहीं चूक ना हो, इसके लिए निरीक्षण किया गया। इस दौरान डीएम और एसएसपी ने पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को सुरक्षा को लेकर दिशा निर्देश दिया। डीएम ने कहा कि सत्र के दौरान पटना में सुरक्षा व्यवस्था सख्त रखने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं शिष्टाचार बरतने के लिए भी कहा गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से 3 दिसंबर तक होगा। बिहार में लागू हुआ बीएच सीरीज। बिहार में बीते दिन से बीएच सीरीज लागू हो गया है। इसको लेकर परिवहन विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। हालांकि सीरीज का फायदा सिर्फ नई गाड़ी खरीदने वालों को ही मिलेगा और वही लोग इस सीरीज को ले सकेंगे जिनका एक राज्य से अधिक किसी कारणवश आना जाना होता है। जिसके तहत ही अब केंद्र सरकार के वैसे कर्मी जो एक राज्य से दूसरे राज्य में तबादले की वजह से जाते हैं या निजी कंपनी के कर्मी थे जिनका तबादला एक से ज्यादा राज्यों में होता है, वहां भी बीएच सीरीज ले सकेंगे। जिसके बाद बीएच सीरीज पूरे देश में मान्य होगा, यानी कि अब नंबर लेने के बाद अगर किसी की नौकरी दूसरे राज्य में हो जाती है तो उस कर्मी को संबंधित राज्य में रोड टैक्स जमा करना होगा। हालांकि उनके नंबर सीरीज में कोई बदलाव नहीं होगा। बिहार के शेर सूरी सासाराम का मकबरा में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। शेर शाह सूरी के नाम से भी सभी वाकिफ है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शक्तिशाली सम्राट शेर शाह सूरी बिहार के पठान थे। उत्तर भारत में मुगलों को हराने के बाद वो सूरी साम्राज्य की नींव उन्होंने रखी थी, लेकिन दुर्भाग्य से
कलीनगर के किले के पास एक बंदूक विस्फोट में उनकी जान चली गई थी। सासाराम के शेरशाह सूरी का शानदार मकबरा बना हुआ है। कहा जाता है कि इसे स्वयं शेरशाह सूरी ने अपने जीवन काल में बनवाया था। यह अपने समय की कला का श्रेष्ठतम नमूना है। एक विशाल झील के मध्य उठे एक चबूतरे पर यह बना हुआ मकबरा उसके व्यक्तित्व का प्रतीक है। इसे उत्तर भारत की श्रेष्ठ इमारतों में से एक कहा जाता है। इस पर हिंदू और इस्लामी कला का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। कोरोना वैक्सीन के लिए नहीं होगी आधार कार्ड की जरूरत। कोरोना के मामले बिहार में अब कम होने लगे हैं। हालांकि दूसरे देशों में मामलों में हो रही वृद्धि को ध्यान में रखते हुए बिहार में एहतियात के तौर पर टीकाकरण अभियान को जोर शोर से चलाया जा रहा है। इसी बीच अब बिहार में होने वाले वैक्सीनेशन को लेकर बड़ी जानकारी निकल करके सामने आई है। अब तक आप जब भी टीका लेने जाते होंगे तो आपको अपना आधार कार्ड अपने पास रखना पड़ता होगा, लेकिन अब आपको इस झंझट से मुक्ति मिलने वाली है, जिसके तहत राज्य में कोविड टीके के लिए आधार कार्ड की जरूरत नहीं होगी। राशन कार्ड, पैन कार्ड समेत अन्य 10 दस्तावेजों के रहने पर भी कोविड का टीकाकरण लगवाया जा सकेगा। यही नहीं, सांसद विधायकों द्वारा सत्यापित पहचान पत्र भी टीका लिया जा सकता है। दरभंगा एयरपोर्ट पर फेसिंग कार्य दिसंबर के पहले हफ्ते में हो सकता है शुरू। दरभंगा एयरपोर्ट पर चेन लिंक फेसिंग का काम शुरू करने को लेकर बीते कई दिनों से लगातार चर्चा हो रही थी, जिसके बाद अब दिसंबर के पहले हफ्ते में इसके शुरू होने के आसार है। इसको लेकर पुनः टेंडर किया गया है। अभी सिर्फ काम आवंटित करना बाकी रह गया है। काम आवंटित होते ही इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि एयरपोर्ट परिसर को जंगली जानवरों से मुक्ति दिलाने को लेकर पूरे एयरपोर्ट परिसर के 9 किलोमीटर के दायरे में फेसिंग करने की तैयारी हो रही है। याद हो, एयरपोर्ट की चहारदीवारी को ऊंचा करने और फुट ब्रिज बनाने को लेकर राज्य सरकार ने करीब 5.5 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। मंत्री जनकराम ओएसडी के खिलाफ दर्ज हुआ अवैध संपत्ति का मामला। बिहार सरकार में खनन एवं भूतत्व विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जनकराम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि उनके खुद के ओएसडी यानी कि स्पेशल ड्यूटी के अधिकारी पर आय से अधिक संपत्ति रखने का मामला दर्ज हुआ है। आपको बताते चले कि बीते दिन अहले सुबह ही निगरानी विभाग की विशेष शाखा ने मृत्युंजय कुमार के अररिया स्थित पैतृक आवास पर छापेमारी की। हालांकि इस दौरान निगरानी विभाग को कुछ हाथ नहीं लगा। वहीं ओएसडी के पटना और कटिहार के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई थी, जिसमें 15 लाख रुपए मिले। आपको ये भी बता कि मंत्री के ओएसडी समेत खनन विभाग की दो अन्य अधिकारियों पर 25 नवंबर को ही कई धाराओं में केस दर्ज हुई थी। इन सभी पर अवैध बालू खनन में संलिप्त होने का मामला दर्ज है। बिहार की 13 ट्रेनों में पैंट्री कार की सेवा शुरू। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अब ट्रेनों में आपको खाना के लिए स्टेशन पर परेशान नहीं होना होगा। कोरोना काल में पहले की तरह ही आपकी बर्थ पर खाना पहुंचाया जाएगा। इसके साथ ही आपके बर्थ पर गर्मा गर्म लजीज व्यंजन की थाली पहुंच जाएगी। इतना ही नहीं, केटरिंग का इस्तेमाल का बाहर से भी मनचाहा स्टेशन पर खाना मंगा सकते हैं। आईआरसीटीसी ने बिहार की 13 स्टेशनों में पैंट्री कार की सुविधा शुरू करने की तैयारी कर ली है। 10 दिसंबर तक 13 ट्रेनों में व्यवस्था हो जाएगी और इसके बाद अन्य ट्रेनों में पैंट्री कार लगाई जाएगी। 20 दिसंबर तक अन्य 10 से अधिक ट्रेनों में पैंट्री कार की व्यवस्था हो जाएगी। आईआरसीटीसी के पटना रीजन के रीजनल मैनेजर राजेश कुमार का कहना है कि कोरोना के खतरे को लेकर ट्रेनों में पैंट्री कार की सेवा के साथ ई केटरिंग की सेवा बंद कर दी गई थी। अब कोरोना के देश में हालात सामान्य हो रहे हैं, ऐसे में आईआरसीटीसी ने निर्णय लिया है कि ट्रेनों में पैंट्री कार की व्यवस्था की जाए। राज्य के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र अब हो सकेंगे पर्यटकों से गुलजार। बिहार में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। यहां कई जिले ऐसे हैं जहां के प्राकृतिक दृश्य बरबस ही सभी का मन मोह लेते हैं। हालांकि ऐसे ही कई क्षेत्र उग्रवाद प्रभावित होने के कारण उपेक्षित बने हुए हैं, लेकिन अब अच्छी खबर यह है कि इन क्षेत्रों को अब पर्यटन का हब बनाए जाने की तैयारी सरकार कर रही है। यानी कि आने वाले कुछ समय में बिहार के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र पर्यटकों से गुलजार रहेंगे। साथ ही साथ पर्यटकों के आने से यहां पर रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी और लोकल लोगों को यहीं पर काम धंधा मिल सकेगा। इस बाबत वन पर्यावरण विभाग ऐसे जगहों को चुन चुन कर विकसित करने की कोशिश में है। इस कड़ी में रोहतास के ततुला भवानी को विकसित करने का डीपीआर तैयार हो चुका है। जल्द ही पर्यटक एक नए रूप में यहां का लुफ्त उठा पाएंगे। पुलिसकर्मियों को दिलाई मध्य निषेध की शपथ। बिहार के इतिहास में बीते दिन शुक्रवार यानी 26 नवंबर का दिन मध्य निषेध शपथ के नाम रहा। राज्य में हाल के दिनों में शराब से हुए जान माल के नुकसान के बाद सरकार के साथ ही पुलिस प्रशासन भी सावधान मोड में आ गई है। इसलिए बीते दिन बिहार पुलिस हेडक्वार्टर में भी डीजीपी एसके सिंघल ने पुलिसकर्मियों को सख्ती के साथ मध्य निषेध कानून का पालन करने और साथ ही लोगों को भी पालन कराने की शपथ दिलाई। इस दौरान डीजीपी ने साफ लहजे में कहा कि मध्य निषेध कानून का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर उस पुलिसकर्मी पर कार्रवाई करते हुए सीधे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। वहीं इस दौरान डीजीपी ने यह भी कहा है कि राज्य में इस कानून को लागू करवाने के लिए पुलिस विभाग प्रतिबद्ध है और कई से सकारात्मक परिणाम भी आए हैं।
किशनगंज बना सबसे गरीब जिला। यूं तो बिहार पहले से ही गरीब राज्यों की श्रेणी में आता है और यहां के कई जिलों की स्थिति भी बदलते समय के साथ उम्मीद लायक सुधर नहीं सकी है। इस बीच आंकड़े भी पेश हुए हैं जिसमें पता चला है कि सीमांचल हिस्से में बसा अल्पसंख्यक बहुल जिला किशनगंज यहां के सभी 38 जिलों में से सबसे गरीब है। किशनगंज जिले में गरीबी रेखा से नीचे यानी कि बीपीएल रहने वाले 64.75% लोग हैं। इससे थोड़े कम गरीब जिले क्रमशः अररिया, मधेपुरा, पूर्वी चंपारण, सुपौल, जमुई, सीतामढ़ी, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और शिवहर जिले हैं। ये आंकड़े नीति आयोग ने जारी किए हैं जो कि विभिन्न आयामों के आधार पर जारी किए गए हैं। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक सबसे अमीर जिले की श्रेणी में क्रमशः पटना, मुजफ्फरपुर, गया और भागलपुर शामिल है। बिहटा में बस स्टैंड निर्माण से गुस्से में है किसान। राजधानी पटना के बिहटा में नए बस अड्डे के निर्माण से पहले ही विरोध शुरू हो गया है और यह विरोध किसानों के द्वारा शुरू किया गया है। दरअसल किसान यहां जमीन अधिग्रहण को लेकर सरकार का विरोध कर रहे हैं, जिसके तहत बीते दिन प्रदर्शन में किसानों ने यहां तक कह दिया कि जान दे देंगे मगर बस अड्डे के निर्माण के लिए यहां सरकार को जमीन नहीं देंगे। बताते चले कि पटना का दूसरा बस अड्डा बिहटा के कन्हौली में 50 एकड़ की जमीन पर बनना प्रस्तावित है, जिस कारण यहां कन्हौली गांव के किसान जमीन नहीं देने के लिए विरोध कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि यह जमीन खेती योग्य है और इससे इनकी रोजी रोटी चलती है मगर सरकार अधिग्रहण करना चाहती है, जिसे हम नहीं देंगे। सार्वजनिक जमीन पर कब्जा करने वाले खाएंगे जेल की हवा। सूबे ने सार्वजनिक जमीन या अन्य संरचनाओं पर अपना अधिकार जमा कर रखने वालों के लिए बुरी खबर है, क्योंकि वर्षों से सरकारी जमीन पर अपना हक रखने वाले लोगों को सरकार जेल भेजने की तैयारी कर रही है। इसके तहत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पत्र जारी कर सभी प्रमंडलों के आयुक्त और जिलों के डीएम को अतिक्रमण मुक्ति के लिए अभियान चलाने को कहा है, जिसके बाद प्राप्त ब्यौरे को मुख्यालय भेजा जाएगा। ब्यौरे के अनुसार जो भी डीएम के आदेश को नहीं मानते हुए अतिक्रमण जारी रखते हैं उन्हें 1 साल तक जेल की हवा खानी पड़ेगी। इसके साथ ही 20,000 रुपये जुर्माना भी लगेगा। बताते चले कि इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने एक वाद को सुलझाते हुए 6 साल पहले ही आदेश जारी किया था, जिसके तहत सार्वजनिक जमीन या नदी तालाब पर लोग अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं। राज्य के सरपंचों का बढ़ेगा रुतबा। बिहार में सरपंचों की पूंछ और हैसियत बढ़ने वाली है, साथ ही साथ उनके काम का दायरा भी बढ़ाने के लिए राज्य सरकार कोशिश में है। दरअसल विधान परिषद के लिए स्थानीय प्राधिकार कोटे की सीटों के लिए होने वाले चुनाव में सरपंचों को भी वोट करने का अधिकार मिल सकता है। इसके लिए बिहार से केंद्र सरकार को विशेष अनुरोध किया था, जिसके बाद केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय अब विधि मंत्रालय से इस मांग को हरी झंडी दिलाने की तैयारी में जुट गया है। बताते चले कि विधि मंत्रालय से हरी झंडी मिलने के बाद स्थानीय प्राधिकार से चुनकर जाने वाले 24 विधान परिषद सदस्यों के ग्राम कचहरी के सरपंच भी मतदान कर सकेंगे। केंद्र सरकार के इस पहल से राज्य के 8,072 सरपंचों का रुतबा बढ़ जाएगा। इंटरनेशनल फ्लाइट्स 15 दिसंबर से होगी शुरू। कोरोना काल में घरेलू के साथ साथ इंटरनेशनल फ्लाइट्स के परिचालन पर रोक लगाई गई थी। हालांकि मामलों में गिरावट आने के साथ ही घरेलू उड़ानों में तो छूट दे दी गई, अब इंटरनेशनल फ्लाइट्स 15 दिसंबर से शुरू होने वाले हैं। हालांकि इसमें वो 14 देश शामिल नहीं होंगे जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, फिनलैंड, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, चीन, मॉरिशस, सिंगापुर, बांग्लादेश, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड का नाम शामिल है। हालांकि एयर बबल के तहत यहां जरूरी फ्लाइट्स जारी रहेंगी। पटना के सरकारी अस्पताल में सिटी स्कैन के लिए नहीं लगानी पड़ेगी लंबी लाइनें। राजधानी पटना स्थित पीएमसीएच और आईजीआईएमएस जैसे अस्पतालों में सिटी स्कैन करवाने के लिए अक्सर मरीजों को लंबी कतारों में खड़े रहकर इंतजार करना पड़ता है, लेकिन अब परेशान मरीजों को एक अच्छा विकल्प मिल गया है। इसके तहत अब मरीज राजवंशी नगर स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में सिटी स्कैन करवा सकेंगे, वो भी आईजीआईएमएस से लगभग आधे और बाजार की तुलना में करीब 1/4 कम कीमत पर ही। यहां सिटी स्कैन जांच की सुविधा मिलेगी। इस बारे में एलएनजेपी के निदेशक डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने बताया है कि एलएनजेपी में फिलहाल मरीजों की संख्या बेहद कम है। यहां पीपीपी मोड पर अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई हैं, जिससे यहां एक दिन में 70-75 लोगों का सिटी स्कैन किया जा सकता है। आंगनबाड़ी सेविकाओं की बदलेगी भूमिका। अगले सत्र से आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्था के साथ ही यहां काम करने वाली सेविकाओं की भूमिका भी बदल जाएगी। इसके तहत राज्य में संचालित हो रही सभी 1.25 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों में दो बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। पहला ये कि यहां पर मिलने वाले पोषाहार को पीएम पोषण शक्ति योजना यानी कि मिड डे मील से जोड़ा जाएगा, जिसको मिड डे मील निदेशालय ही कंट्रोल करेगा। तो वहीं दूसरे बदलाव के तहत अगले सत्र में इन केंद्रों में कार्यरत आंगनबाड़ी सेविकाएं अतिरिक्त शिक्षिका की भूमिका में काम करेंगी। बताते चले कि इसके लिए तैयारी तेज है, जिसके तहत फिलहाल आंगनबाड़ी केंद्रों की नजदीक प्राथमिकता विद्यालय से जोड़ने का आदेश दिया गया है। यह टैगिंग होने के बाद से आंगनबाड़ी सेविकाओं की जिम्मेदारियां और वेतन दोनों ही बढ़ेंगे।
प्रधानमंत्री को इस बात पर मिला सीएम नीतीश का समर्थन। देश की सियासत में एक बार फिर से पारिवारिक शब्द गूंज पड़ा है, जिसके तहत एक बार फिर पारिवारिक पार्टी बोलकर सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्षियों पर निशाना साधा जा रहा है। इसको लेकर प्रधानमंत्री जहां एक तरफ अक्सर विपक्षी दलों को एक पारिवारिक पार्टी का दर्जा देते हुए तंज कसा करते हैं, तो वहीं इस बात को लेकर बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पीएम के बयान पर अपना समर्थन दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पारिवारिक पार्टियां देश को नुकसान पहुंचा रही है। इस बात को हम लोग पहले से ही स्वीकार कर चुके हैं। आजकल लोग खुद को, अपने परिवार को और बाल बच्चों के किसी को जहां पहुंचाते हैं उसका कोई मतलब नहीं है। राजनीति से इसका कोई संबंध नहीं होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में कई दल इसी कदम पर चल रहे हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। छठा वेतन आयोग देने वाला उत्तर प्रदेश 2008 में देश का पहला राज्य बना। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर का 1888 में जन्म हुआ। प्रसिद्ध कवि और लेखक हरिवंश राय बच्चन का 1907 में आज के दिन जन्म हुआ था। भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना का 1986 में जन्म आज के दिन हुआ था। भारत के प्रसिद्ध सारंगी वादक और शास्त्रीय गायक सुल्तान खान का निधन 2011 में आज के दिन हुआ था। भारत की प्रख्यात समाज सुधारक लक्ष्मीबाई केलकर का निधन 1978 में आज के दिन हुआ था। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 26 नवंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,140 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,400 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 63,100 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 105.90 रुपए प्रति लीटर, तो वहीं डीजल के भाव 91.09 रुपए प्रति लीटर थे। दूसरे दिन विकेट के लिए तरसी टीम इंडिया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जा रहा है। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने पर न्यूजीलैंड का स्कोर बिना किसी नुकसान के 129 रहा। विल यंग 75 और टॉम लेथम 50 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 345 रन बनाए। भारत के लिए श्रेयस अय्यर ने 105 रन की शतकीय पारी खेली। उनके अलावा रविन्द्र जडेजा ने 50, कप्तान अजिंक्य रहाणे ने 35, रविन्द्र अश्विन ने 38 और चेतेश्वर पुजारा ने 26 रन बनाए। वहीं आज होने वाले मैच में अगर भारतीय टीम को जीतना है तो विकेट आज लेना ही पड़ेगा। आ रहा है रिएक्शन नोटिफिकेशन फीचर। व्हाट्सएप मेटा का इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप सुर्खियों में है, क्योंकि यह एक नया अपडेट लेकर आया है जो रिएक्शन नोटिफिकेशन नाम का एक फीचर लाएगा। यह नया अपडेट गूगल प्ले स्टोर बीटा प्रोग्राम के जरिए उपलब्ध होगा। इस नए फीचर को पाने के लिए आपके पास व्हाट्सएप एंड्रॉइड बीटा वर्जन 2.21.24.8 होना चाहिए। बीटा टीजर होने के बावजूद अगर आपको यह फीचर नहीं मिलता है तो आप इसे APK मिरर से प्राप्त कर सकते हैं। रिपोर्ट में पहले से ही सामने आ गया था कि WhatsApp मैसेज रिएक्शन नाम का एक नया फीचर तैयार कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने इस फीचर को गलत तरीके से इनेबल किया था और तुरंत से हटा दिया। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है आस्था तिवारी, गौतम कुमार, चंदन कुमार, कंचन कुमारी, दिव्यांशु कुमारी, महेश यादव, पंकज कुमार दास, राजीव कुमार, संजीव कुमार, उमाशंकर गुप्ता, शंकर मुखिया, इंद्रदेव कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार पर्यटन के लिहाज से बिहार के किस जिले को विकसित करने की सबसे ज्यादा जरूरत है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।